हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई विश आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मैं हूं जयंत श्रीवास्तव और जयंत के गाइड्स यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। सैमसंग गैलेक्सी एप 23 इंडियन मार्केट में 8 मार्च को लॉन्च होने जा रहा है दोपहर 12 बजे। फ्लिपकार्ट के ऊपर इसकी सेलिंग होगी। माना जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी एप 22 का सक्सेसर यानी कि बड़ा भाई होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी एप 23। काफ़ी बढ़िया फीचर्स लेकर 5G वेरियंट्स के साथ आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन के साथ साथ गेमिंग स्मार्टफोन्स भी होने वाला है। अगर आप लोगों का बजट था 20,000 रुपये तक का और आप लोग के पास उससे एबव खरीदने के बजट नहीं होते थे तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बना है। काफ़ी अच्छे से आप लोग गेमिंग खेल पाएंगे। तो आज की ये वीडियो खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सारे की स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है स्मार्टफोन के अंदर। साथ में अगर आप लोग लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसकी क्या दाम हो सकती है इंडिया के अंदर, साथ में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, हम लोग सब कुछ कवर करने की कोशिश पूरी तरह से करेंगे। बट बिफोर दैट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी मैं कोई वीडियोज़ बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। साथ में मेरी सोशल मीडिया वेबसाइट्स की यानी कि इंस्टाग्राम और फेसबुक की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, आप लोग जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी एप 23 के बारे में, क्या कुछ लेकर आने वाला है सैमसंग का ये बजट 5G स्मार्टफोन इंडिया के अंदर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में बातें कर ले दोस्तों, तो प्लास्टिक की फ्रेमिंग हमें देखने को मिलेगी। साथ में ट्रिपल सेट कैमरा रियर पैनल में लगा होगा विद सिंगल LED फ्लैश लाइट, जिसके साथ आप लोग नाइट विजन्स में काफी तगड़ी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकेंगे। सामने की तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। साथ में नॉच वाला कैमरा सेटअप होने वाला है, पंच होल वाला कैमरा सेटअप आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ में टाइप सी की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी फॉर USB एंड चार्जिंग कनेक्टिविटी। 3.5 mm का ऑडियो जैक आपको देखने को मिलेगा, आप लोग हेडफोन्स का यूज कर सकते हैं इस फोन में। साथ में हाइब्रिड सिम का ऑप्शन होने वाला है यानी कि एक सिम एक मेमोरी कार्ड का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं स्मार्टफोन में, या फिर दो सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं 5G स्टैंड बाई में। साथ में जो फिंगरप्रिंट वाला स्कैनर था दोस्तों, वो साइड माउंटेड हमें देखने को मिलेगा और जो पावर ऑन ऑफ का बटन आता था हमारा, वो अपने जगह पे प्लेस आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा डिजाइन जो है ना दोस्तों, वो चेंज है एज कंपेयर टू जो प्रीवियस एप 22 था आपका, उससे थोड़ा सा बढ़िया और काफी प्रीमियम लेवल का डिजाइन आपको देखने में लगेगा। आप लोगों ने वीडियो में भी देख लिया होगा और मेरे हिसाब से ये फोन इन टर्म ऑफ बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन किसी भी मायने में कम नहीं है। काफी बढ़िया स्मार्टफोन आपको देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों, अगर हम लोग इस फोन की कनेक्टिविटी और बैंड्स के बारे में बातें कर लेते हैं तो 5G कनेक्टिविटी के साथ ये स्मार्टफोन आएगा इंडिया के अंदर। साथ में इसके अंदर मिनिमम 13 बैंड्स को ये स्मार्टफोन सपोर्ट करेगा 5G के। तो मेरे हिसाब से कनेक्शन के मामले में, बैंड्स के मामले में कोई इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलेगा। काफी बढ़िया सा परफॉर्मेंस निकाल कर ये स्मार्टफोन आपको दे देगा। अब दोस्तों, अगर हम लोग इस फोन के प्रोसेसर के बारे में बातें कर ले तो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 750G वाला प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। एक 5G प्रोसेसर है जो कि 8 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन के ऊपर वर्क करता है। काफी बढ़िया सा बैटरी एफिशिएंसी के साथ आपको परफॉर्मेंस निकाल कर दे देगा। स्मूथ परफॉर्मेंस होने वाला है, कोई लैगिंग इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ में बैटरी मैनेजमेंट काफी बढ़िया होने वाला है, हीटिंग इश्यूज आपको नहीं देखने को मिलेगा स्मार्टफोन के अंदर। साथ में जो CPU दिया गया है वो है ऑक्टाकोर का CPU, और GPU के बारे में बातें कर ले तो एडिनो 619 की GPU आपको देखने को मिलेगी, जिसके साथ गेमिंग एक्सपीरियंस आपका काफी बढ़िया होने वाला है। अगर आप लोग गेमिंग स्मार्टफोन को सर्च कर रहे थे और आपका बजट से 20,000 रुपए तक का था, तो मेरे हिसाब से गेमिंग एक्सपीरियंस के मामले में काफी अच्छा आपको इस फोन के साथ एक्सपीरियंस मिलने वाला है। कोई इश्यूज आपको इन टर्म ऑफ गेमिंग या फिर डे टू डे लाइफ में कोई इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलेगा। काफी बढ़िया सॉलिड स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी एप 23 के रूप में आपको देखने को मिलने वाला है। अब चलिए दोस्तों, हम लोग इस फोन के डिस्प्ले के बारे में भी बातें कर लेते हैं। तो डिस्प्ले का सेक्शन काफी इंटरेस्टिंग है आप सभी लोगों के लिए। 6.6 इंचेस की फुल HD रेजोल्यूशन वाला अमोल्ड पैनल आपको देखने को मिलने वाला है स्मार्टफोन के अंदर, जो कि वर्क करेगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के ऊपर। साथ में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है स्मार्टफोन के अंदर, जिसको आप लोग एक एक्सीडेंटल डैमेज केस से काफी हद तक अपने फोन को सिक्योर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फोन गिर जाता है गलती से तो काफी हद तक आपका जो डिस्प्ले है वो सेफ रहने वाला है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ। साथ में पिक्सल डेंसिटी जो है वो 450 PPI के आपको देखने को मिलेगी। नॉच वाला कैमरा सेटअप होने वाला है फ्रंट वाला, थोड़ा सा ये माइनर फॉल्ट होने वाला है स्मार्टफोन के अंदर। पंच होल होता तो काफी बढ़िया सा लुक हो जाता, नहीं तो बाकी सब कुछ इस डिस्प्ले के अंदर परफेक्ट होने वाला है। मुझे कतई उम्मीद नहीं था कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको अंडर 20,000 ये स्मार्टफोन देगा सैमसंग कभी भी, लेकिन ये सच होने वाला है और आपको ये स्मार्टफोन विथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को इंडियन मार्केट में मिलेगा। वही अगर इस फोन के कैमरे के बारे में दोस्तों बातें कर लेते हैं तो ट्रिपल सेट कैमरा आपको दिया गया है। 50+8+2 का कॉम्बिनेशन होने वाला है, जिसमें कि 50 MP का वाइड एंगल कैमरा, साथ में 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 2 MP का माइक्रो सेंसर आपको देखने को मिलेगा, जिसके साथ आप लोग
1080p के रिजोल्यूशन पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे 30 फ्रेम पर सेकंड के साथ। वहीं अगर फ्रंट वाले कैमरे के बारे में दोस्तों बातें कर ले तो 13 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर आपको देखने को मिलेगा, जिसके साथ ही आप लोग 1080p के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे 30 फ्रेम पर सेकंड पे। कैमरे का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि सैमसंग खुद अपने कैमरे का मैन्युफैक्चरर है और इसके कैमरे हमेशा काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी F22 मैं यूज़ कर रहा हूँ, अक्सर ये स्मार्टफोन आपको दिखाता हूँ और इसका एक्सपीरियंस यार सच में बहुत ही अच्छा है। ओवरऑल मैं इस फोन को पसंद बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन कैमरे के मामले में यह स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आपको दे देगा। लेकिन अब इसका बड़ा भाई आ रहा है सैमसंग गैलेक्सी F23 के नाम से, तो उसके अंदर का जो कैमरा भी देखने को मिलेगा दोस्तों वो भी काफ़ी बढ़िया और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वहीं अगर इस फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में दोस्तों बातें कर ले तो एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। साथ में सैमसंग की अपनी खुद की UI MIUI 4.0 के ऊपर यह स्मार्टफोन वर्क करता हुआ दिखेगा आपको, जो कि काफ़ी बढ़िया सा परफॉर्मेंस आपको निकाल कर दे देगा। माने कि 20,000 रुपए का बजट सेगमेंट है और साथ में आपको सब कुछ लेटेस्ट देखने को मिल रहा है। एडवांस प्रोसेसर है, डिस्प्ले क्वालिटी काफी तगड़ी है, साथ में 5G की नेटवर्क और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है वो है एंड्रॉइड 12, यानी कि लेटेस्ट एंड्रॉइड का फीचर्स। मेरे हिसाब से काफी परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलने वाला है। अब बातें कर लेते हैं दोस्तों इस फोन की बैटरी के बारे में, तो 5000mAh की बैटरी हमें देखने को मिलेगी फोन के अंदर। साथ में 25W वाला फास्ट चार्जर दिया गया है, जो कि मानकर चलिए कि 1 से 1.5 घंटे में आपकी बैटरी को 0 to 100% तक चार्ज कर देगा। और 5000mAh की जो बैटरी का बैकअप है ना यार, वो आपको आराम से 1 से 1.5 दिन का बैकअप दे देगा। क्योंकि मेरा जो सैमसंग गैलेक्सी F22 है ये मुझे बहुत ही आराम से 1.5 दिन का बैकअप दे देता है, और मैं ज्यादातर फोन को यूज नहीं करता हूं, तो मानकर चलिए जब मैं यूज करता हूं तो लगभग 1.5 दिन का 1 दिन का बैकअप मैं आराम से ले लेता हूं। लेकिन अगर मैं यूज ही नहीं कर रहा हूं तो 2 से 2.5 दिन तक ये फोन स्टैंड बाई मोड में बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस के साथ चल जाता है। वाईफाई 24 आवर्स सपोर्टेड, मतलब कनेक्टेड रहता है मेरे फोन के अंदर, फिर भी बैकअप अच्छा मिल जाता है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि सैमसंग के फोन में बैटरी का बैकअप हमेशा काफी बढ़िया देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग इस फोन के सेंसर्स के बारे में दोस्तों बातें कर लेते हैं तो फिंगरप्रिंट वाला स्कैनर हमें साइड माउंटेड देखने को मिलेगा। साथ में फलाना ढिकाना जितने भी सेंसर्स आते थे आपके, चाहे वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हो, एक्सेलेरोमीटर हो, जीरोस्कोप सेंसर हो या फिर आपका कंपास सेंसर्स हो, सारा कुछ देखने को मिलेगा। सेंसर्स के एंड में कोई कटौती नहीं होने वाली, काफी बढ़िया स्मार्टफोन आपको इन टर्म ऑफ सेंसर्स परफॉर्म करता हुआ दिख जाएगा। अब फाइनली चलिए दोस्तों हम लोग अपना झोला झक्कड़ लेकर अंतिम पड़ाव की तरफ चलते हैं और बातें कर लेते हैं स्मार्टफोन के बेस वेरियंट्स और प्राइसेस के बारे में। तो 6GB का रैम का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, साथ में 128GB की इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन होने वाला है। SD कार्ड का ऑप्शन दिया गया है, हाइब्रिड वाला ऑप्शन है, तो आप लोग अपनी मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं अप टू 1TB तक, अगर आप लोग एक्सपेंड करना चाहते हैं तो। नहीं तो बहुत लोगों के लिए 128GB जो मेमोरी होती है वो सफिशियंट होती है। साथ में अगर प्राइसेस के बारे में बातें कर लें तो लगभग 16 से 17 हज़ार या 18 हज़ार के बीच की प्राइसेस देखने को मिलेगी आपको स्मार्टफोन की, इससे ज़्यादा नहीं होने वाली है, यानी कि अंडर 20,000 का प्राइस सेगमेंट स्मार्टफोन का आपको देखने को मिलेगा। F22 की जो प्राइसेस थी दोस्तों वो लगभग 13-14 हज़ार रुपये थी, और माना जा रहा है कि 5G स्मार्टफोन है, काफ़ी अपग्रेडेड फीचर्स के साथ आ रहा है, तो इसका जो प्राइसेस है वो 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा, यानी कि वही 16 से 18 हज़ार 17 हज़ार के बीच की प्राइसेस होने वाली, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। साथ में लॉन्चेस कब होने वाला है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था शुरू में ही कि 8 मार्च को इसकी लॉन्चिंग होने वाली है फ्लिपकार्ट के ऊपर 12:00 PM, आप लोग जाकर खरीद सकते हैं। और मेरे हिसाब से फोन का जो टक्कर होने वाला है वो है Realme 9 Pro, साथ में Infinix 0 5G के साथ काफ़ी खासा टक्कर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारे भाई भाई एक ही प्राइस सेगमेंट में बिक रहे हैं और इसके कारण आपका जो एक टक्कर है वो बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही अच्छा देखने को आपको मिलेगा। आप मेरी ओपिनियन जानना चाहोगे तो मेरे हिसाब से आई मस्ट से कि आप लोग जा सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी F23 के साथ, बिकॉज काफ़ी कुछ तगड़ा फीचर्स लेकर आ रहा है। सबसे नंबर वन पे है इसका डिस्प्ले, जो कि 120Hz का रिफ्रेश रेट बहुत ही रेयर है सैमसंग के मोबाइल फ़ोन में इस बजट पे आपको मिल पाना। साथ में स्नैपड्रैगन का ट्रस्ट होने वाला है प्रोसेसर के टर्म में, जिसके साथ गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी सॉलिड देखने को आपको मिल जाएगा। वहीं बातें कर ले बैटरी, तो बैटरी भी बढ़िया दी गई है, कैमरा का परफॉर्मेंस भी बढ़िया होने वाला है, और सबसे बढ़िया बात जो है ना दोस्तों वो ये है कि इसके अंदर आपको एंड्रॉयड 12 लेटेस्ट वर्जन देखने को मिलेगा, साथ में लेटेस्ट UI सैमसंग की अपनी MIUI 4.0 देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट करके अपनी राय शेयर कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आप प्राइसेस जानी चाहिए स्मार्टफोन की, आपको पसंद है या नहीं, फीचर्स जो भी लॉन्च होने जा रहा है कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियोस में कुछ नए टेक न्यूज़ के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।